शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुबारका मुबारका जनरल मैनेजर साहब, अब देखो ये दिल पैक हैदराबादी कैसे दिल्ली में बैठ को आपको बैंगन का भरता और हैदराबादी बिरयानी खिलाता, तड़का मार को जाफरान छिड़क को। शुक्रिया मियां, शुक्रिया। वैसे मियां, उस दिन आपके मिलने के बाद ही शिफ्ट करने का सफर शुरू हुआ। वैसे एक बात है हजरत, अगर उस रोज आप यही चिपक को रहते तो ये जगह कहाँ से आपको मिलती? वही निचली सीढ़ी पर लटक को रह जाते। हाँ, ये सब पूजा जी की कृपा है। पता है जब तक जीऊंगा ना, सिर्फ पूजा जी की पूजा करूंगा। पूजा? कौन पूजा? हो, वही मैनेजर साहिबा। अरे क्या बात कर रहे हो मियां, मालकिन को नौकर का दर्जा दे रहे हो? अनबिलीवेबल। पूजा जी की वजह से ना जाने कितने गरीबों को नौकरी मिली है। अब मेरी बात ही ले लो, अगर वो अपने बॉस पापा जी से मेरे लिए सिफारिश नहीं करती तो क्या हम दोनों शानदार एयर कंडीशन ऑफिस में बात कर रहे होते? ला हौल वला कुव्वत हजरत, आपकी बात सुनकर मेरे भेजे का खट्टा सालन बनता ना। अरे वो पोटी आपको लट्टू की तरह घुमा डाली ना, उस रोज आपको सटका कर आपकी नौकरी हजम कर ली, डक्कर भी नहीं ली। उतच मतलब? मतलब ये कि उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैनेजर साहिबा और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि हमारे बॉस पापा कोई प्यारे पापा नहीं है? अरे वो चोपड़ा खूसट काहे का पापा बाबा, उन्हों आज तक तो खुद कुंवारे बैठे बैठे। कोई सिफारिश विफारिश नहीं की? अरे मेरे बम बम भोले, मेरे मिट्टी के माधव, सिफारिश तो बहुत दूर उन्हों कहीं जी से आपकी सब तरक्की के रास्ते काटे जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे जम के बेवकूफ बनाया? हाँ। और पूरी दिल्ली घुमाए? हाँ। ये तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। हाँ। हाँ। दिलपेक मियां, सर जाके उसको बुलाना, अभी देखता हूँ उसको। बुला उसको। बुलाता हूँ उसको, जम के झिड़को बाबा। आपका हक है, आप जनरल मैनेजर है, ऐसी वैसी बात नहीं है। आने दो उसको, अब दिखाता हूँ मैं कि ऐसी फिरकी लेता हूँ कि वो फिर कभी नहीं सोचेगी उसकी तो। हेलो 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 हेलो, आइए 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 आइए। क्या बात है, क्या बात है, नॉट बैड नॉट बैड हैपनिंग। हाँ, खुश बैठ जाओ, करे क्यों, बैठ जाओ, रिलैक्स। अरे नहीं 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 पूजा जी, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इम्पॉसिबल, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ओह नो नो, अपने हाथ से मेरी डिग्री लेके आपने मेरी बिगड़ी बनाई है। आहा। नाश्ते की टेबल पर अपनी तशरीफ रख के अपने प्यारे पापा से मेरी सिफारिश की है। करती रहती हूँ। उड़ती हुई मर्सिडीज कार में बैठकर आपने अपने बारे में नहीं सोचा? नेफा। नहीं, सिर्फ मेरे बारे सोचा। हाँ, वो तो है। वाह वाह पूजा जी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बदले आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया। जनरल मैनेजर शिव कपूर, जनरल मैनेजर। फैंटास्टिक पूजा जी, क्या बड़प्पन है आपका, कमाल का है, कमाल का, वेरी गुड। नहीं नहीं, बताइए चाय पियेंगे आप? चाय? आई डोंट माइंड अ कॉफी। आई डोंट माइंड अ कॉफी। अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। जी जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तूने मुझे बेवकूफ बनाया? शिव, शिव सर, बोलो सर। सर पूजा जी, मैं आपकी पूजा कर करके थक गया और आप मुझे चारों ओर घुमाती रही। प्यारे पापा की लाडली बेटी, गरीबों की हमदर्द, सिफारिश की महारानी, क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ। पहली मुलाकात में मुझे ही शेंडी लगा कि मेरी नौकरी हजम कर ली तुमने। नहीं, नहीं। और फिर जब तुम्हारा पेट नहीं भरा तो फिर फाइव स्टार होटल में कढ़ाई पनीर, दम आलू कश्मीरी, हरे भरे कबाब, अपने भैया भाभी के साथ चटकारे लेके खा रही थी। मैं पागलों की तरह सारा दिल्ली शहर घूमता रहा तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम मैडम थिएटर में बैठ के लेटेस्ट पिक्चर देख रही थी, फिर भी इस गरीब ने इस पत्थर दिल के लिए असली घी के लड्डू बनवाए, असली घी के। तो अब बताओ पूजा जी, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ। सर, जनरल मैनेजर साहब, ठीक है, आप जो सजा दी मुझे मंजूर है। शो शो, जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ करूंगी। मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। रात से सुबह हो गई लेकिन तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं हुई। ए, जनरल मैनेजर का मूड मत खराब करो। ओके, जनरल मैनेजर माय फुट, इस घर की जनरल मैनेजर सिर्फ मैं हूँ।
ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैंने कब इनकार किया था? तुम सिर्फ इस घर की नहीं, इस दिल की भी जनरल मैनेजर हो। आई लव यू। कमाल है, पता है पूजा, कभी कभी सोचता हूँ इतने साल अकेले कैसे सोता रहा, उन बेचारे कुंवारों का क्या हाल होता होगा। क्या तो बीवियाँ सिर्फ इसीलिए होती है क्या? तुम मर्द लोग सब एक ही जैसे हो, ओहो कभी नहीं सुधरोगे। मैडम अगर हम लोग सुधर गए ना तो आप लोग का क्या होगा? उफ, इस टॉपिक पर तुमसे बहस करना फजूल है। अब उठो, नहाओ और ऑफिस जाओ, वरना कंपनी की तरफ से ये जो घर मिला है ये भी नहीं रहेगा। कमन उठो। नहीं पूजा, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? मैंने तो नौकरी छोड़ दी, अब तुम भी काम पर नहीं जाओगे तो खाएंगे क्या? हूँ सिंपल, प्यार खाएंगे, हवा खाएंगे, तुम्हें खाऊंगा। इस टॉपिक ओके, हक बनता मेरा? कोई हक वक नहीं, चलो उठो। अरे जाके देखो कौन आया है, कम ऑन जाओ देखो ना, उठो कम ऑन प्लीज, तुम बहुत लेजी हो। हाँ कम ऑन जाओ देखो। ओके ओके कम ऑन मूव। ए जी कौन जी, आप कौन? मैं दूध वाली सब्जी। मेरा नाम किशमिश, किशमिश खजूरा, लीजिए ना। हाँ। कितना हुआ? हिसाब तो महीने के आखिर में चुकाया जाता है सब्जी। ओह नहीं आए हो? हाँ, हम लोग नए हैं। अच्छा एक बात तो बताओ कि एक पैकेट काफी रहेगा कि और दूं? नहीं एक ही काफी है। क्यों? वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस बिल्डिंग के लोगों को दूध काफी लगता है। नहीं एक ही काफी है। फिर चलती हूँ साहब जी। ठीक है चलती हूँ। मैंने कहा साहब जी जरा हाथ तो लगाना। क्या इसको? ओह हाँ हाँ अभी उठा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाय मैं मर जाऊँ। थैंक यू साहब जी। वैसे एक बात कहूँ साहब जी? कहो। आप ना बड़े शरीफ आदमी हो, बड़े नेक आदमी हो, आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, दोस्ती के काबिल हो साहब जी। अच्छा? हाँ अच्छा तो फिर मैं चलूं दोस्त जी। कल सुबह। दोस्त गई? हाँ? ओ हाँ गई, दूध वाली थी। अच्छा तो दूध लेने में रोज इतना वक्त लगेगा, नीचे तक छोड़ाते। कमाल है, मैं तो मदद कर रहा था उसकी, तुम ना जाने क्या क्या सोच रहे हो। कहाँ दूध वाली और काम है, कमॉन पूजा। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम मर्दों को, चलो दूध दो मुझे। पहले तुम मेरी चीज लौटाओ। कौन सी चीज? आपने ये जो लुंगी कुर्ता पहना है ये मेरा है, चलिए उतारिए इसे। चलो अंदर देती हूँ। अभी इसी वक्त। पागल हो गए हो? बिल्कुल। लोग देख रहे हैं। शिव छोड़ो मुझे। आई लव यू। शिव कल से दूध तुम नहीं मैं लूंगी। कमाल है, हमें यहाँ बुलाया और खुद ही नहीं पहुंचा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों कहा कि पूजा को मत बता, कहीं उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? वैसे तुम्हारी बहन है बड़ी लड़ाकू। तुमसे कम है। हो गई अपनी बहन की तरफदारी, उसका तो नसीब अच्छा है कि इस जमाने में उसे ऐसा पति मिला है।
लो आ गया। ओह सॉरी भैया, सॉरी भाभी, अरे दिल्ली ट्रैफिक का मैं क्या करूँ, अगर बाइक होती तो जूम करके आ जाता, जब से गाड़ी मिली अटकते अटकते आ रहा हूँ। अच्छा लेकिन बात क्या है, वो भी इतनी टॉप सीक्रेट की पूजा को बिन बताए हमें यहाँ बुला लिया। बैठ, सिट डाउन। आज की तारीख क्या है? 15 दिसंबर। और कल? अरे यार 16 दिसंबर। तो क्या हुआ? क्या हुआ बस, इतने साल आपके घर में रही और आप भूल गए, और मैंने कुछ ही महीने बताया उसके साथ और मुझे सब कुछ याद है। कल 16 दिसंबर है, पूजा का बर्थडे। अच्छा सुन 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 सुन, प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? प्लान ऑफ एक्शन ये है कि पहले एक बड़ा केक खरीदेंगे, केक, ओके। उसके बाद खाना पैक करेंगे, बलून्स खरीदेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे और ठीक 12 बजे उसे सरप्राइज देंगे। और मैं समझी थी कि मेरे पति मुझे रेंडेवू के लिए अम्यूजमेंट पार्क लेकर आए हैं, मैं तो जायंटविल के चक्कर लिए बिना नहीं जाऊंगी। तेरी उम्र है क्या जायंटविल पे बैठने की? क्या? नहीं मतलब वो मैं। अरे भैया कोई उम्र नहीं होती है लाइफ एंजॉय करने के लिए, जो भाभी कहेंगी वो ही होगा। वन राउंड ऑफ द जायंटविल। ओके ओके, चलो ना भैया चलो। अरे ये तो बहुत ऊंचा है, मैं तो नहीं चलूंगा। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, जाइए। शिव शिव शिव, मैंने डर लगता है यार। अरे कुछ नहीं, चलिए टुकी टुकी साथ चले जाना। दो भैया कपल से टुगेदर, चलो। अच्छा मैं कह रही हूं, तू आ रहा है, तू पीछे आ रहा है। अच्छा अगर मैं वापस नीचे नहीं आऊं तो तू मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। अरे क्या बकवास कर रहे हो, चलो ना। मेरे किटू किटू जो भी है, जाइए आप लोग। मुझे अकेले मत भेजो, मैं आ रहा हूं। भाई जरा ज्यादा ऊपर मत ले जाना, मुझे डर लगता है। For a joyride. ये कैसे अटक गया? डरो मत, जल्दी ठीक हो जाएगा। इस ऊंचाई से दिल्ली शहर का मजा तो ले लो मेरी जान। ब्रेकडाउन, देयर्स बीन अ ब्रेकडाउन। ओके दैट्स ओके, चलो बातें करके रात गुजारे। लैला, आई एम लैला, मुझसे दोस्ती करोगे? शिव, शिव कपूर, और मेरी वोटी, मेरी वाइफ, मेरी बीवी, उसका नाम है पूजा। वाइफ? पूजा? पूजा, मेरी प्यारी बीवी, वेरी स्वीट गर्ल। मैंने कहा बहनोई साहब। हाँ भाई साहब। मैंने कहा 12 बज गए। बज गए, पूरे 12 बज गए। हैप्पी बर्थडे टू पूजा। हैप्पी बर्थडे पूजा। ओह रियली, आज तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है? हाउ स्वीट, पर सो सैड। और तुम इधर अटक गया है हमारे साथ? सॉरी, लगता है वो लोग मरम्मत करता है, पता नहीं आज की रात और कितना झटका लगेगा। हाँ भाई, पता नहीं आज की रात इस पति को और कितने झटके लगेंगे। पूजा, आई एम सॉरी। <sorry. laughs>
तुम? हैप्पी बर्थडे पूजा। पहले बता तुम कहाँ थे रात भर? बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हर बात का यकीन करोगी। देखो सच सच बताओ, सिर्फ सच बताओ। वो मैं सारी रात ऑफिस में था। वो क्या है, ऐसा काम निकल आया था जो सिर्फ मैं कर सकता था। मैं जानता हूँ तुम्हारा बर्थडे, लेकिन बॉस ने बोला था और मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा, लेकिन मैं तो रात भर ऑफिस फोन करती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। वो सारे लाइंस डिस्कनेक्ट हो गए थे, अटक गए थे। ऐसे समझो कि मैं आसमान में था और तुम धरती पे। वाओ, नाइस केक, किसने बनाया? मैंने बनाया। काटे? नहीं, तुम क्या समझते हो मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? वैसे कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सच क्या है साफ साफ बताओ, कोई चक्कर तो नहीं है? क्या बात कर रही हो, मेरी शामत आई कि मैं कोई चक्कर में पड़ूंगा? कभी तो अपने शिफ्ट पे विश्वास करो, जैसे गया था वैसे ही वापस आया हूं। क्या हुआ, क्या है तुम्हारी जेब में? हाँ, वॉच? ये क्या है? घड़ी है, और क्या, तुम्हारे लिए तोहफा। तुम नाराज इसलिए हुई थी ना कि तुम सोचती थी कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया हूं, लेकिन तुम अपने पतिदेव को ठीक से नहीं समझ पाई हो। मैं ना जाने कितना गोल गोल घूमू, ऊपर नीचे घूमू, एट द एंड ऑफ द डे मैं जानता हूं कि तुम्हें खुश क्या रखता है। तो ये तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट। ये कहां से उठा लाए? हाथों को यहां पूजा, दिस इज टू मच। दिल्ली की 100-100 दुकान ढूंढ निकाले मैंने, फिर भी खुश नहीं हो तुम? पति की कुछ कदर है कि नहीं? दिस इज वेरी बैड, वेरी रॉन्ग। नाराज हो गए? बिन सोचे समझे बरस पड़ी ना तुम पर, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो, तुम्हारे ये इस तरह हमेशा शक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई मीन आफ्टर ऑल एक आदमी कितना यकीन दिलाएगा? कुछ तो भरोसा रखो मेरे ऊपर, आई एम हस्बैंड आफ्टर ऑल। ए माय रूठे रूठे पिया, नाराज हो गया? मैं भी ना बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ, दिमाग ज्यादा ही चलता है ना मेरा। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो हो गया सो हो गया, बर्थडे तो आज है ना। चलो आज की शाम पूरी आपके नाम। विल गो आउट, खूब घूमेंगे, नाचेंगे, खाना खाएंगे, पियेंगे और प्यार करेंगे। अब मेरी माँ, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गया। अच्छा जाओ। हैप्पी बर्थडे। सो स्वीट। अच्छा है, कुछ अलग है।